आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है मराठी दही ठेसा। ये मैंने बहुत डायरेक्ट बनाया है तो मैं इसका रेसिपी आपको डायरेक्टली ही बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है और उसी के साथ ही मैंने साइड में हरी मिर्ची 7 से 8 हरी मिर्ची ली थी और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसे पीस लिया था, वो साइड में रखा है जो मैं इसे इंक्लूड करने वाली हूँ। तो अब तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें मस्टर्ड सीड डाल देंगे जिसे हम राई भी कहते हैं। हम आधा चम्मच राई इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें एंड उसके साथ ही जीरा। ये क्रैकल होने दें, क्रैकल होने के बाद आप इसके बाद इसमें जीरा ऐड करें। अब हमने जीरा ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ये क्रैकल हो जाने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाला है कटे हुए, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने मिर्ची पीस के ली थी थोड़ा नमक डाल के, तो मैं उसे डाल के अब इसे भून लूँगी तेल में। फ्रेंड ये जो है ये दही ढेसा है, ये महाराष्ट्र का एक तरीके का चटनी समझ लीजिए, उस तरीके का रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी होती है। अब इसे भून लेने के बाद इसमें मैंने भुना हुआ और पीसा हुआ शेंगदाने का पाउडर डाला है, मतलब बादाम का पाउडर डाला है। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए ध्यान रखें कि ये कहीं से जले ना, और एज़ यूज़ुअल उसके साथ ही अपना जो गैस का फ्लेम है उसे लो रखें। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। महाराष्ट्र के लोगों को तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये चटनी उनके घर में कंपलसरी हर वक्त होती ही है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर कर लिया जाए एंड आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें मूंगफली का पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 4 से 5 टीस्पून दही का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसकी वजह से इसका तीखापन भी कम हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा सावरनेस आने की वजह से ये बहुत टेस्टी लगेगा। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी क्रीमी हो गई है। इसे हम कंटिन्यूसली ऐसे ही स्टर करेंगे जब तक इसका दही जब इसमें दही पूरी तरीके से मिल नहीं जाता। दही पूरी तरीके से मिल जाने के बाद ये वाइटिश दिखेगा ही नहीं, और इसे स्लो फ्लेम में ही पकाएं। अब इसे कंटिन्यूसली ऐसे ही स्टर करते रहें। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने जो हरी मिर्ची थी मैंने उसके साथ ही नमक डाल के उसे पीस लिया था, तो इसमें मैं नमक ऐड नहीं करने वाली। अगर आप नमक के साथ मिर्ची को पीसते हैं तो इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे हम कंटिन्यूसली ऐसे ही कुक करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के कुक होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे क्रीमी फ्लेवर इसका क्रीमी जैसे वो दिख रहा था, अब वो क्रीमीनेस इसकी जा रही है। अब आप देख सकते हैं साइड से ये तेल भी छोड़ रहा है, इट मीन्स ये रेडी हो गया है। हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही कुक करेंगे और फिर इसके बाद इसे निकालेंगे। अब ये कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे ही चारों तरफ से इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहें ताकि ये कहीं से जले ना। इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहें। अब इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ और ये हमारा दही ठेसा रेडी हो चुका है। थैंक यू।